हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में और मैं हूँ किचन में। आज वीडियो किचन से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं काट रही हूँ ये पालक। ये हमारे खेत का पालक है, अभी काट रही हूँ पालक। इधर आलू भी काट रही है, झुट्ठा मुट्ठा काट रही है। अपना हाथ काट लोगी अभी? तो गाइस, अभी दाल बना ली हूँ, सब्जी काट रही हूँ, सब्जी बनाऊंगी, चावल डालना है। तो सब ब्लॉग स्टार्ट कर दें। कैसे हो आप सब लोग, अच्छे हो? ठंडी तो जा चुकी है लगभग, लेकिन आज थोड़ा बादल बादल है तो थोड़ा ठंडी है, इसीलिए सर्दी पहनी हूँ। सुबह तो ठंडी लगती ही है। पापा मेरे पापा पंखा नहीं लगाए। तुम्हारे पापा पंखा नहीं लगाए हैं? गर्मी हो रही है तभी हम लोग काटते हैं। हाँ, पीछे भी तो पंखा है। तो गाइस, अगर मैं पालक काटती हूँ तो मैं अपना अंगूठा जरूर काट लेती हूँ। ये सारे अंगूठे मेरे कट जाते हैं और ढेर सारा पालक रहता है तो ऊब लग जाती है काटते काटते। किस किस को काटना पसंद है पालक? लेकिन इस समय मेरे यहाँ रोज बन रहा है, रोज पालक बथुआ तराई यही सब बन रहा है, तो सुबह सुबह काटना पड़ता है। तो चलिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग में और बिना स्किप करे मेरे ब्लॉग को देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो जाए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, बने रहिए ब्लॉग में, जल्दी से मैं सब्जी काट लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। नहीं, तो देखिए, यहाँ आलू का पालक कट रहा है, उसका जड़ जड़ काट रही है और इतना ढेर सारा अभी रखा है काटने के लिए और इतना कट गया है। चलिए, बने रहिए ब्लॉग में, अभी मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। और इधर आलू शैतानी कट रही है, हाँ काट लेगी अभी तू। और यहाँ दाल हो गया है, अभी चावल डालना है, इसके बाद रोटी बनाना है। दो 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 खाया जाए। नहीं, दिया खाए। हमें भी खिला दो। हमें नहीं खिलाओगी? दिया। कौन दिया पहले ये बताओ। दादी दी, पैसा दे के। अंशुमन भैया यहाँ नहीं है, लाओ खाया जाए। अंशुमन बता देना, दादी से बोल देना कि हम अंशुमन भैया को दे दिए हैं। इधर ला 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 ला, आरू ले आ। गाइस, अभी खाना वाना बना लिए हैं और मतलब खाली हो गए, सारा काम हो गया और हम बैठे हैं अपने कमरे में। और मेरे भाई का फोन आया था, अभी आ रहा है वो, तो जा रहे हैं चाय चढ़ाने थोड़ा सा ताकि आए तो जल्दी से दे दें उसको। तो अभी चल रहे हैं किचन में चाय बनाने, रखती हूँ बनने के लिए। और हम अभी दलिया खा रहे हैं बैठ के, मम्मी दलिया खा रही है। क्या चीज़? तो दूर से दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए, हम चाय बना रहे हैं, अभी इसमें चाय पत्ती नहीं डाली है, चाय पत्ती ख़त्म हो गई है, दुकान से मंगाई हूँ चाय पत्ती। और यहाँ से रोशनी ज़्यादा आ रही है तो चलिए, बने रही हुए ब्लॉग में, अभी चाय बना लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। लग गया ना, एकदम मोटा वाला बॉल लेके हैवी वाला खेलते हैं लोग। तो अभी हम आए हैं छत पे, अभी भाई आया था, ज़्यादा देर नहीं रुका, बस काट दिया, काट दे के चला गया तुरंत ही। तो बस चाय बनाने मतलब पानी, चाय पानी कराने में ही टाइम चला गया, मैंने उसका मतलब वीडियो ही नहीं बनाया। और यहाँ वंश पतंग उड़ा रहा था, छत पे आया था तो उसका मंजा मंजा जो है ना सब जो है गांठ बनी थी तो उसको सही करके तो गया है। लेकिन तब हम चाय वाय बना रहे थे तो हमने वीडियो शूट नहीं किया। और यहाँ देखिए कितना अच्छा अच्छा अच्छी क्वालिटी आ रही है कैमरे की। और यहाँ देखिए सब जगह सब सबके छत पे झंडे लहरा रहे हैं और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आजकल की हवा जो है ना बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा ठंडा रहता है, थोड़ा गर्म मौसम रहता है, कोहली वाला टाइम है। और यहाँ देखिए बेचारा एकांत में पड़ा है और हमेशा खिला रहता है ये फूल, हमेशा पैनल के नीचे है। इसको ना पानी दिया जाता है, दिया जाता होगा पानी दिया जाता है, मतलब धूप नहीं लगता है इसको और हमेशा खिला रहता है। और आज वंश की पतंग कट गई, बगल वाले है काट लिए तो रो रहा था मम्मी आओ मेरा पतंग दिलाओ, तो
हम कहे तुम लोग उड़ाते हो पतंग दिलाने के लिए, हमें चिल्लाता है। वंश का एग्ज़ाम चल रहा है, ओरल चल रहा है अभी, एग्ज़ाम तो 2 तारीख से है, लेकिन ये पतंग उड़ाने से बाज नहीं आता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। यस, रील्स बनाते क्या? रील्स बना ले क्या? बढ़िया मौसम किया है ना, अभी रुक गया। तो चलिए गाइस, बने रहिए ब्लॉग में, और अभी मिलते हैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर में, क्योंकि अभी जाएंगे थोड़ा सा बर्तन धुलना है, और वंश अभी चाय नहीं पिया तो चाय ख़त्म हो गई है, इसके लिए चाय बनानी है, और हमारे पति देव आए थे नाश्ता कर लिए, चाय दिए उनको। और यहाँ गेहूँ ढेर सारा रखा हुआ था, तो वो मौसम ख़राब है ना, पता नहीं बारिश वारिश हो तो, इसलिए नीचे ले जा रहे हैं इन लोग रखने के लिए, जा रहे हैं नीचे। चल 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 चल, अंत में चप्पल दे अपने, जो तुम नहीं पहन पाएगा। अभी हम नीचे जा रहे हैं, वरना पीछे मार दे। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं वंश को पढ़ा रही हूँ, तो वंश मेरे से बदमाशी कर रहा है, इसको हिंदी पढ़ा रही हूँ, तो हिंदी का मतलब वर्ड मीनिंग पढ़ा रही हूँ, वर्ड मीनिंग, तो ये पढ़ नहीं रहा है, तो उसका अलग ही अर्थ निकाला है, तो बोल रहा है कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि घोंसड़ा, घोंसड़ा जो है हिंदी में बोलते हैं, उसका अर्थ है जो है ऐलान करना, तो जैसे मैं बोल रही हूँ मैं घोषणा करती हूँ कि आज से वंश ट्यूशन क्लास लेगा, तो वही मेरा वीडियो बना रहा है, तो जल्दी जल्दी याद करें, इसको बोलिए आप लोग जल्दी जल्दी याद करें, और क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है। घोषणा का अर्थ क्या होता है? ऐलान, चाहे मैं घोषणा करके बोलूँ चाहे ऐलान करके बोलूँ, मैं ऐलान करती हूँ याद से वंश मोहन ट्यूशन जाएगा, ठीक। तो गाइस अभी हम आए हैं किचन में, और 10 बज रहा है, और हम अपने पति को खाना दे रहे हैं, मतलब ये आ गए हैं, इनको खाना दे रहे हैं, बाकी हम लोग खा लिए हैं, यही बचे हैं, ये खाना थोड़ा लेट में खाते हैं, खाना इनको, ये सब्जी और ये पराठा, देख लीजिए आप लोग, बस 2 रोटी खाते हैं, तो चलिए दे देते हैं इनको। तो ये खाना सब्जी और पराठा, तो इनको दे देते हैं खाना, इधर वंश बैठ पढ़ाई कर चुका है, देख रहा है टीवी, और ये हमारे पति देव हैं, उनको खाना दे देते हैं, और इस ब्लॉग का एंड भी करना था, तो आज ये सुबह से खाना नहीं खाए थे, तो अभी शाम को नाश्ता किए हैं, फिर उसके बाद अभी खाना खा रहे हैं, सुबह खाना नहीं खा के गए थे, तो किस लिए नहीं खाए थे मैं बताती हूँ, इनकी कमी है, ये बाथरूम में मुंह धुल रहे थे तो हम गए हाथ धुलने के लिए, तो ये जो है ना तो हम पता नहीं यहाँ थोड़ा सा धक्का दे दिए, तो ये पूरा साबुन मुंह धुल रहे थे साबुन से, साबुन मेरे मुंह में लगा दिए, पूरा हो गई लड़ाई थोड़ा सा, इसलिए ये खाना नहीं खाए, आज दिन में चले गए थे और आ भी नहीं रहे, खाना निकला है खा लीजिए, बस इसीलिए नहीं खाए थे, तो शाम को नाश्ता किए हैं, फिर अभी खाना खा रहे हैं। तो गाइस अभी तो 10:30 हो रहा है, 10 लगभग बज रहा है 10:30, तो चलते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर अच्छा लगा हो मेरा ब्लॉग तो एक लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइट बंद कर दिए, खाना निकाले, खाना खाइए, आपकी बुराई कर रहे हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।